एल आर खान उर्फ KRK ने एक ट्वीट में दावा किया है कि आर्यन खान के गिरफ्तार होने के बाद से बहुत से स्टार किड्स अब तक सतर्क हो चुके हैं और देश छोड़कर जाने की योजना बना रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी पर संबंधित वकीलों के अपने जवाब की प्रतियां सौंप दी हैं। साथ ही NCB ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन और सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया है। इसके बाद से ही ट्विटर पर नो बेल ओनली जेल ट्रेंड कर रहा है। खुद को फिल्म समीक्षक बताने वाले अभिनेता कमाल आर खान ने भी आर्यन खान के ड्रग्स मामले में अपने विचार साझा किए हैं। कमाल आर खान उर्फ KRK ने एक ट्वीट में दावा किया है कि आर्यन खान के गिरफ्तार होने के बाद से बहुत से स्टार किड्स अब तक सतर्क हो चुके हैं और देश छोड़कर जाने की योजना बना रहे हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका की सुनवाई के बीच बहुत से फैंस एक बार फिर शाहरुख खान के बंगले मन्नत के सामने समर्थन दिखाने के लिए एकत्रित हो गए हैं। इससे पहले भी शाहरुख खान के फैंस उनके घर के सामने खड़े होकर सपोर्ट दिखा चुके हैं। फैंस का कहना है कि ये एक बुरा वक्त है जो टल जाएगा और शाहरुख खान को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कोर्ट में जाने से पहले दस्तावेज चेक कराती नजर आ रही हैं। आर्यन खान की जमानत के मामले में पूजा शाहरुख खान के सिक्योरिटी हेड रवि के साथ कोर्ट में पहुंची। आर्यन खान केस में जहां ज्यादातर सितारे शाहरुख खान के समर्थन में हैं, तो वहीं कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो इस पर अलग तरह के विचार साझा कर रहे हैं। फिल्म जोश में शाहरुख खान के साथ काम करने वाले अभिनेता पुनीत वशिष्ठ ने कहा कि भगवान ने उन सभी खान को बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं फिल्म जोश और क्या कहना में था, मैं फिल्म इंडस्ट्री में कभी शामिल ही नहीं हो पाया। खान पान ने 27 सालों तक मुझे बायकॉट किया और अब भगवान ने उन्हें नजरअंदाज किया है। आर्यन खान की जमानत की राह देख रहा खान परिवार अब काफी बेचैन हो रहा है।